उत्तराखंड के जनपद बागेश्वर में विद्युत बिलों की अनियमितता हो रही है। लोगों को विद्युत बिल समय पर नहीं मिल पाते हैं। घर घर जाके दिलवाता है बिजली का बिल उनको। आपको समय नहीं मिलता बिजली का बिल, समय पर नहीं मिल पाता। समय पर नहीं मिलता है। बिजली के बिल या तो चाय की दुकानों में रख दिए जाते हैं या फिर सब्जी की दुकानों में। समय पर लोग बिल नहीं भर पाते हैं, अगर भरते हैं तो उनको एक्स्ट्रा पेमेंट देना पड़ता है। ये बिलों में इतनी अनियमितता बढ़ती जा रही है कि दुकानों में रखे जाते हैं, कई महीनों तक तो बिल मिलते नहीं है। ये इस बिल पे जो डेट लिखी हुई है 16/9 की है, और जबकि इसने कल जमा हो जाना चाहिए था, लेकिन बिल आज प्राप्त हो रहा है। ये बिल अधिकतर चाय की दुकानों में और जनरल स्टोरों में, राशन की दुकानों में हमें प्राप्त होते हैं, जिसके कारण उपभोक्ताओं को बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती है। दो दो चार चार महीने का बिल एक साथ जमा करना पड़ता है। आपको घर पर बिल नहीं मिलता है? नहीं, घर पर बिल नहीं मिलता है, जिस कारण से हमें दुकानों में इनको छानना पड़ता है। देखिए यहाँ पे इतने बिल पड़े हुए हैं, अब इन बिलों का जिम्मेदार कौन है? अगर ये खो जाते हैं या कहीं पानी में बह जाते हैं या इनका कोई मिट जाता है कोई अक्सर, तो कौन होता है इसका जिम्मेदार? ऐसा नहीं कि यह समस्या सिर्फ मेरे विकासखंड में है, मेरे जनपद में, अन्य विकासखंडों में, अन्य ग्रामों में भी यह समस्या है। मैं भी इस समस्या से ग्रसित हूँ, मुझे भी बिजली का बिल समय पर नहीं मिल पाता है। तो बिजली का बिल समय पर मिले इसके लिए क्या करना चाहिए? एक आवेदन पत्र बना के बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता को दिया जा सकता है। आप भी मेरी इस पहल में मेरे साथ आ सकते हैं। मैं विपिन जोशी, उत्तराखंड के गरुड़ विकासखंड से, इंडिया अनहर्ड के लिए।